हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Zee5 ओरिजिनल की मूवी रश्मि रॉकेट को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रश्मि रॉकेट ये मूवी आज ही Zee5 ओरिजिनल पर रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फीमेल ओरिएंटल मूवी देखना पसंद आती है, या फिर उन लोगों में से जिन्हें स्पोर्ट्स ड्रामास देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है रश्मि नाम की एक एथलीट की, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है और इंडिया के लिए काफ़ी सारे मेडल जीतना चाहती है। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब जेंडर चेक करने वाले टेस्ट के नाम पर उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है। और उसके बाद उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे ये स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है। ऑल दो इस मूवी में आपको ऐसा कुछ भी अलग या नया देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इसके मैसेज को छोड़कर, क्योंकि इस मूवी का जो मैसेज है वो नया ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से इस पूरी मूवी का ट्रीटमेंट किया गया है उसमें आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मूवी काफ़ी रूटीन बन जाएगी। लेकिन फिर भी जो इस मूवी का मैसेज है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि इस रूटीन स्क्रीन प्ले को भी अच्छा बना देता है, क्योंकि जिस तरह से ये मूवी स्टार्ट होती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टेब्लिश करती है वो सब काफ़ी टिपिकल है। और फिर जिस तरह से ये मूवी आगे बढ़ती है उसमें भी कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जो इस मूवी का सेकंड हाफ है जिसमें हमें रश्मि की एक इमोशनल स्टोरी दिखाई जाती है वो सब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस मूवी का सेकंड हाफ को देखकर काफ़ी सारी लड़कियां इमोशनल हो जाएंगी। और जहां तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की तो वो भी अच्छे हैं, ऑल दो लगभग सारे ट्विस्ट काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहते हैं और आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि मूवी आगे जाके कैसे एंड होने वाली है। लेकिन फिर भी जिस तरह का इंपैक्ट इन ट्विस्ट को हम पे छोड़ना चाहिए था वो ये छोड़ पाते हैं। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच के डायनेमिक्स की, तो सारे कैरेक्टर्स काफ़ी रूटीन है, कोई भी कैरेक्टर आपको कुछ नया नहीं लगता है। और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनेमिक्स थे वो भी मुझे काफ़ी रूटीन लगे। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और यहाँ स्पेशली मैं तापसी पन्नू की बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस मूवी में मुझे उनका काम बस ठीक ठाक ही लगा, जबकि उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का बस ठीक ठाक ही है, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग करने की कोशिश नहीं की है, जबकि इस स्टोरी पे काफ़ी इमोशनल मूवी बनाई जा सकती थी लेकिन डायरेक्टर वैसा करने में थोड़ा फेल हुए हैं। और जहाँ तक बात है एडिटिंग की तो वो बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी बस ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को फीमेल ओरिएंटल मूवी देखना पसंद आती हैं, या फिर आप उन लोगों में से हो जो कि स्पोर्ट्स ड्रामास के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और अगर आप लोग एक नई स्टोरी देखना चाहते हो तो भी आपको ये मूवी पसंद आ सकती है, इसलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।